कुर्दन तुमसे ना हो पाएगा कि कनिका मान जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही टैलेंटेड है और साथ ही साथ उतनी ही फिट है। तो क्या है इसके पीछे का राज, ये हम आपको बताएंगे आज खास, क्योंकि गुर्दन यानी कनिका ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। अब आप जब कनिका को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो वो काफ़ी फिट नज़र आती हैं, उनका फिगर भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे में बहुत सारे फैंस ये सोचते होंगे कि कनिका जो है वो काफ़ी डाइट मेंटेन करती हैं और वो खाने में भी बहुत कम ही ऐसी चीज़ें खाती होंगी जिससे कि उनका फिगर ख़राब ना हो जाए। ऐसे में आपको बताते चले कि कनिका इसके ठीक उल्टे दाल मखनी राजमा चावल समोसे खूब खाती हैं। समोसे तो उनका बहुत फेवरेट है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये सब खाने के बाद तो एक्ट्रेस का तो फिगर ही बिगड़ जाएगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सब जमकर खाती हूँ और फिर आपको बता दूँ कि वर्कआउट भी मैं कर लेती हूँ और साथ ही साथ मेरी माँ यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि हेरिडिटरी का भी काफ़ी असर होता है क्योंकि मेरी माँ काफ़ी दुबली पतली है और मेरे पापा भी, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं भी इतना खाना खाने के बावजूद भी मोटी नहीं होती हूँ। अब अपने बालों के बारे में जब पूछा गया कि उनके बाल इतने खूबसूरत कैसे हैं, तो वो बताती हैं कि मेरी माँ जो है मुझे बचपन से ही अखरोट बादाम काजू ये सब पीस कर और उसके लड्डू बनाकर दिया करती थी या फिर दूध में मिलाकर मुझे दिया करती थी। मैं जब भी मुंबई आती हूँ तो मेरी माँ इस तरीके से लड्डू बनाकर भिजवाती हैं और कहती हैं कि ये बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं खाती हूँ और साथ ही साथ मैं घर के बने शैम्पू को पहले यूज़ करती थी। आज भले ही ये सब नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी आज भी मैं आयुर्वेदिक शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। आपको बताते चले कि गुर्दन इसके साथ ही साथ ये बताती है कि वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। घर में भी संगीत का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है और वो अक्सर जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो अक्सर संगीत म्यूज़िक सुनती हैं जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती हैं।